हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आपको गियर सिकंडियर की फाइल कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी फाइल पर प्रैक्टिस लेसन प्लान का नंबर डालेंगे। आफ्टर डैट नेक्स्ट हेडलाइन कॉलेज नेम, यहाँ पर कॉलेज का नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर इसी तरीके से आप एक छोटा सा चार्ट तैयार करेंगे। इस चार्ट में डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड और टाइम लिखेंगे। उस पर टॉपिक का हेडलाइन डाला जाएगा, हमारा टॉपिक है द हॉली गंगा। नेक्स्ट हेडलाइन लिखा जाएगा जनरल पर्पज, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट है टू इंक्रीज चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन इंग्लिश। उसके बाद अगला हेडलाइन लिखा जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद लेसन द हॉली गंगा, सेकेंड पॉइंट टू एनेबल द स्टूडेंट्स रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, थर्ड पॉइंट लिखा जाएगा टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। नेक्स्ट हेडलाइन सपोर्टिंग मटेरियल का लिखा जाएगा, इसके अंतर्गत चार्ट, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एंड अदर यूजफुल थिंग्स। उसके बाद मित्रों टीचिंग मेथड, इसके अंतर्गत तीन पॉइंट लिखे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, दूसरा आपका है लेक्चर मेथड, तीसरा आपका है डिस्प्ले मेथड। उसके बाद अगला हेडलाइन लिखा जाएगा प्रीवियस नॉलेज, इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स कीप लेस नॉलेज अबाउट द हॉली गंगा। उसके बाद आप इसी तरीके से एक चार्ट फिर बनाएंगे, एसआर नंबर, स्टूडेंट्स टीचर वर्ब, थर्ड आपका स्टूडेंट्स रिस्पोंस। एसआर नंबर में आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिखेंगे। फर्स्ट के सामने आप लिखेंगे चिल्ड्रेन, डू यू नो अबाउट द रिवर, सेकंड लिखेंगे विच रिवर्स आर देयर इन इंडिया, थर्ड लिखेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट गंगा, फोर्थ लिखेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट द हॉली रिवर गंगा। स्टूडेंट रिस्पोंस के नीचे आप लिखेंगे पहले पॉइंट के सामने यस, सेकेंड पॉइंट के सामने लिखेंगे आप कृष्णा, कावेरी, गंगा, थर्ड पॉइंट के सामने आप लिखेंगे ए हॉली रिवर और फोर्थ के सामने आप लिखेंगे प्रॉब्लेमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स एम की हेडलाइन लिखा जाएगा, इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द हॉली गंगा। प्रेजेंटेशन के लिए आप फिर इसी तरीके से एक चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में एसआर नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट के नीचे आप लिखेंगे मॉडल रीडिंग, उसके बाद इमिटेशन रीडिंग और लास्ट में प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। टीचर एक्टिविटीज में जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में, इसके नीचे आप फिर ऐसे ही लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इसको ब्लैंक रख दीजिएगा, यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा। नेक्स्ट हेडलाइन पड़ेगी एक्सप्लेन, स्प्रिंग के लिए आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ है द गंगा और लास्ट में लिखा हुआ है फील्ड्स, यहाँ तक आपका चैप्टर है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद आप अगला हेडलाइन डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके सामने आप लिखेंगे द पुपल टीचर विल रीड एंड राइट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके सामने आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल राइट ऑन देयर नोटबुक, और ठीक उसके सामने आप फिर लिखेंगे वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में हेरिटेज जिसकी हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ विरासत, लाइफलाइन जीवन रेखा, स्ट्रीम धारा,
माउंटेन पर्वत। उसके बाद अगला हेडलाइन लिखा जाएगा कंप्रहेंशन क्वेश्चन का, इसके अंतर्गत पहला व्हिच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, जिसका आंसर लिखा हुआ है गंगा। सेकंड पॉइंट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन द होली गंगा, और तीसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज, यहाँ पे हेरिटेज लिखा हुआ है जिसका हिंदी है विरासत। नेक्स्ट हेडलाइन है साइलेंट रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिखा जाएगा द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड आउट द पैसेज एंड ऑब्जर्व देम। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और उसके बाद लास्ट हेडलाइन है होमवर्क, यहाँ पे लिखा जाएगा द स्टूडेंट्स विल रीड एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर।